नो मर्सी एक ऐसी मूवी जो एक किलर के मास्टरमाइंड को दर्शाती है। यह वीडियो हम फिर से कुछ क्रिएटिव एनहेंसमेंट के साथ और इम्प्रूव एंडिंग के साथ अपलोड कर रहे हैं। हमें आशा है इस बार यह आपको ज्यादा पसंद आएगा। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपने असिस्टेंट के साथ एक नदी किनारे फोटोग्राफी कर रही है। काम खत्म होने के बाद वह घर लौटने जाते हैं कि उन्हें नदी किनारे झाड़ी में एक लड़की की लाश पड़ी दिखाई देती है। लाश को देख के दोनों के चेहरे से रंग उड़ जाता है। अब क्राइम सीन पे पुलिस आती है। पुलिस भी लाश को देख के दंग रह जाती है क्योंकि लड़की की लाश को 6 हिस्से में काटा गया है। क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मीन भी है जो पुलिस डिपार्टमेंट में नई होने की वजह से सीनियर उसके काम को क्रिटिसाइज करते हैं और उसे छोटे मोटे काम में एंगेज रखते हैं। मगर वह है ब्रिलियंट। वह अपनी तरफ से एविडेंस जमा करने का काम कर रही है। अब क्राइम सीन पे ऑटोप्सी एक्सपर्ट कांग को बुलाया जाता है। कांग जो बहुत एक्सपीरियंस मेडिकल एग्जामिनर है और पुलिस एकेडमी में क्रिमिनल साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, मीन उसकी स्टूडेंट होने की वजह से उसे एडमायर करती है। कांग का पुलिस डिपार्टमेंट में काफी रिस्पेक्ट है। अब कांग डेड बॉडी को एग्जामिन करता है। लड़की का सर, 2 हाथ और 2 पैर काटे हुए है और उसका दाया हाथ गायब है। लाश रिवर एम्बैकमेंट पे मिली है। एम्बैकमेंट यानी पानी की बहाव को रोक के डैम या ब्रिज को बांधना। अब लाश को ऑटोप्सी रूम लाया जाता है। लड़की की उम्र 29 साल की है। लड़की का नाम उन्नी है जो एक बार में काम करती है और कुछ दिनों से मिसिंग थी। कांग जब एग्जामिन करता है तो उसे पता चलता है लड़की को मारा किसी और जगह है, काटा किसी और जगह है और फेंका किसी और जगह है। कांग मीन का ओपिनियन पूछता है तो मीन उसे बताती है कि किलर ने जानबूझ के ऐसी जगह लाश को फेंका है जो पुलिस के हाथ आसानी से लगे। किलर चाहता तो लाश को जमीन में गाड़ देता मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पीछे उसका कोई मकसद है। लड़की का एक हाथ मिसिंग है क्योंकि वह चाहता है कि हम उसे ढूंढे। मीन का ओपिनियन सुनके कांग इम्प्रेस होता है। कांग पुलिस को बताता है कि लड़की की मौत सर पे जोरों से वार करने से हुई है। नाक, मुंह और कान में ग्रेनाइट मिला है जो ज्यादातर सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और बॉडी में नमक का अंश भी पाया गया है। मतलब क्राइम का संबंध ऐसी जगह से है जो समुन्दर किनारे है। अब पुलिस ऐसी सीमेंट फैक्ट्री को ढूंढने लगते हैं जो समुन्दर किनारे है। तभी उन्हें पता चलता है कि सियोंग नाम की एक सीमेंट फैक्ट्री समुन्दर किनारे है। अब पुलिस वहां छानबीन करने लगती है तो उन्हें मिट्टी में दबा उस मरी हुई लड़की का हाथ मिलता है जो मिसिंग था। पुलिस उस लड़की के बॉयफ्रेंड को उठा के पुलिस स्टेशन लेके आती है मगर मर्डर के वक्त वह कई और जगह था। अब मीन क्राइम के बारे में डिस्कस करने के लिए कांग के घर आती है। कांग को एक लड़की है जो US पढ़ती है और वह कल कोरिया वापस आने वाली है। कांग लाश के फोटो को देख के समझ जाता है कि किलर कुछ कहना चाहता है क्योंकि हर क्राइम का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। मीन कांग की बातों को ध्यान में रख के इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे याद आता है कि सीमेंट फैक्ट्री की जगह कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वह चाहते हैं कि एम्बैकमेंट को हटाया जाए क्योंकि उसकी वजह से आसपास के गांवों को नुकसान हो रहा है। पानी की बहाव की वजह से गांव खाली कर दिए गए हैं। नदी को टुकड़ों में काटने की वजह से उसका भी नुकसान हो रहा है और इस एम्बैकमेंट के लिए जो सीमेंट सप्लाई हो रहा है वह सियोंग फैक्ट्री से ही हो रहा है। मीन को लगता है कि उस प्रोटेस्ट का और मर्डर का कुछ तो कनेक्शन है। अब मीन ऊपर से स्टडी करके अपना प्रेजेंटेशन बनाती है। वह प्रेजेंटेशन को पुलिस चीफ के सामने रखती है। मीन चीफ को बताती है कि जिस नदी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उस कुम नाम की नदी का और क्राइम का गहरा संबंध है। कुम नदी को कोरिया की विनस कहा जाता है और इस प्रोटेस्ट ग्रुप के ली नाम के लीडर ने कुम नदी को पुराने विनस देवता के साथ जोड़ा है जिसका जिक्र उसने अपनी किताब में किया है क्योंकि विनस यानी गॉडेस ऑफ ब्यूटी और कुम नदी के स्ट्रक्चर में काफी समानताएं हैं। मगर गवर्नमेंट ने नदी के बहाव को रोक के जगह जगह एम्बैकमेंट बनाने शुरू किए जिसकी वजह से कुम नदी 6 हिस्से में बढ़ गई है बिल्कुल उसी तरह जैसे 6 हिस्से में लाश पाई गई और इसी वजह से कुम नदी की मानो मौत हो गई है। ली ने अपनी किताब में लिखा होता है कि जो इस बात को जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लड़की की लाश के टुकड़े कुम नदी के 6 हिस्सों की तरह ही दिख रहे हैं। मीन के हिसाब से उस किताब के राइटर ली का इस क्राइम सीन से कोई ना कोई संबंध जरूर है। शायद वही किलर है क्योंकि जिस रात लड़की को मारा गया उस रात फैक्ट्री प्रोटेस्ट वालों के दंगों की वजह से 20 मिनट तक बंद थी और वह दंगे लीडर ली ने ही कराए थे।
दूसरा एविडेंस है, ली का एक पैर पैरालाइज है, उसे चलने के लिए लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़ती है, और जहां लड़की की लाश मिली वहां ली के पैर और लकड़ी के निशान मिले। मीन के प्रेजेंटेशन से चीफ खुश होते हैं और ली को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाने का ऑर्डर देते हैं। अब ली को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। मीन पहले से ही ली की हिस्ट्री पढ़ चुकी है कि कैसे एम्बैकमेंट की वजह से ली की फैमिली को अपना पुश्तैनी घर छोड़ के निकलना पड़ा। उस शॉक से उसके पिताजी की मौत हुई, उसकी बहन ने आत्महत्या की। इन सभी वाकयात की वजह से ली का बचपन जल गया और उसी का बदला लेने के लिए और दुनिया का ध्यान अपनी ओर बटाने के लिए उसने ये मर्डर किया। ली मीन के दावे को रिजेक्ट करता है। वह मीन से कहता है वह एनवायरमेंट राइटर है, मर्डरर नहीं। मीन ली से कहती है कि उसने उसके जूते के प्रिंट्स लिए हैं जो क्राइम सीन पे मिले फुटप्रिंट से मैच होते हैं। अब ली मीन की अकल की तारीफ करता है और अपना जुर्म कबूलता है। यहाँ कांग अपनी लड़की को रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाता है तो वहाँ एक शख्स आके उसे एक एनवलप देके कहता है कि यह ली ने उसे देने को कहा है। कांग एनवलप खोल के देखता है तो उसमें उसकी लड़की के फोटो होते हैं। फोटो देख के कांग समझ जाता है कि उसकी लड़की को किडनैप किया गया है। तभी उसे मीन का फोन आता है कि ली ने अपना जुर्म कबूला है, किलर पकड़ा गया है। अब मीन की बातें सुनकर कांग ली से मिलने कस्टडी में आता है, जहां ली उसी का इंतजार कर रहा होता है। ली यह भी कबूल करता है कि उसी ने कांग की लड़की की किडनैपिंग की है। वह ली को बताता है कि मैंने जानबूझ के लाश को इस स्टाइल में काटा क्योंकि मैं चाहता था पुलिस मुझ तक पहुंचे। अब ली कांग से कहता है कि वह उसे कस्टडी से छुड़ाए, नहीं तो वह उसकी लड़की के भी वैसे ही टुकड़े करेगा जैसे उसने उस लड़की के किए। ली की बातें सुनकर कांग उस पर झपट पड़ता है, मगर अब पत्ते कांग के हाथों में होते हैं। ली कांग से कहता है कि 3 दिन के अंदर या तो वह उसे जेल से छुड़ाए या अपनी लड़की के टुकड़े बटोरे। मगर अब ली को जेल से छुड़ाना नामुमकिन के बराबर है क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है और ऊपर से उसने अपना जुर्म भी कबूला है। अब कांग जो उस क्राइम का ऑटोप्सी डॉक्टर है तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट को चेंज किया जाए। मीन से उसे पता चलता है कि पुलिस को वह सौ मिली है जिससे उस उन्नी नाम की लड़की को काटा गया था, जिस पर खून के दाग भी है, और अब वह सौ एग्जामिन के लिए लैब भेजा गया है। कांग जान जाता है कि अगर सौ पे पाए गए ब्लड के सैंपल उन्नी के ब्लड से मैच हुए तो ली को किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता। अब कांग एक शैतानी चाल चलने की सोचता है। वह अपने पेट कुत्ते का पैर काट के उसका ब्लड लेके रात को छुपके से लैब में जाता है। पहले वह सौ के ऊपर लगा ब्लड केमिकल से साफ करता है, फिर उस पर उसके कुत्ते का ब्लड लगाता है। फिर वह मीन के दिमाग में यह बात डालने लगता है कि उसे नहीं लगता कि ली ने उन्नी का मर्डर किया हो। जो ठीक तरह से चल नहीं सकता वह इतनी बड़ी साजिश कैसे रचेगा और उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाएगा। और तो और इस केस का रिजल्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट पे डिपेंड है, कन्फेशन तो कभी भी बदला जा सकता है। अब कांग की बातें सुनकर मीन भी सोच में पड़ जाती है। यहाँ दूसरे दिन कांग ली से मिलने जेल जाता है। वह ली से कहता है कि वह ली को छुड़ाने की कोशिश करेगा, मगर पहले वह उसकी लड़की से बात करना चाहता है। कांग ली के सामने फोन रखता है। फोन पे से कांग को उसकी लड़की की बेबस आवाज सुनाई पड़ती है, पापा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब लड़की की बातें सुनकर कांग बौखला जाता है और ली पे हमला करता है, मगर ली शांति से उसे देखता रहता है। कांग समझ जाता है वह मजबूर है। ली कांग से कहता है कि तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैंने उसी लड़की को मारने के लिए क्यों चुना? अगर तुम अपनी मेमोरी पे जोर दोगे तो तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। मगर कांग सोचने की हालत में नहीं है तो वह ली से पूछता है कि मर्डर वेपन कहाँ है जिससे उसने उन्नी के सर पे वार किया था और जिससे उन्नी की मौत हुई थी। ली उससे कहता है कि वह वेपन घर में ही कहीं पे है। अब कांग वह वेपन पुलिस के हाथों पड़ने से पहले अपने कब्जे में लेना चाहता है तो वह ली के घर की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ लैब से उस सौ पे लगे ब्लड की रिपोर्ट आते हैं, जिससे पता चलता है सौ पे लगा ब्लड किसी जानवर का है। तो और छानबीन करने के लिए पुलिस ली के घर की तरफ जाती है। कांग ली के घर की तलाशी लेता है तो उसे वहाँ ली का उसके भाई के साथ एक फोटो मिलता है। वो वही शख्स होता है जिसने एयरपोर्ट पे कांग को वह एनवलप दिया था। तभी वहाँ पे पुलिस आती है। कांग छुप जाता है। जल्दबाजी में उसका सर्जिकल नाइफ वहीं पे गिर जाता है। पुलिस को वहाँ एक लोखंड की बड़ी सलिया मिलती है जिस पर ब्लड लगा है। वह उसे मर्डर वेपन समझ के अपने साथ ले जाते हैं, मगर जाते जाते उन्हें कांग का वह नाइफ भी मिल जाता है। कांग देखता रह जाता है। यहाँ मीन कांग को मिलने उसके घर जाती है। कांग तो घर में नहीं होता, मगर उसे कुत्ते के पैर पे घाव दिखता है तो वह उस कुत्ते को वेट डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर घाव को देख के मीन से कहती है कि वह घाव सर्जिकल नाइफ से हुआ है।
अब मीन सोच में पड़ जाती है कि एक कुत्ते को सर्जिकल नाइफ से जख्म किसने और क्यों की। यहाँ दूसरी ओर कांग उस फोटो में दिखाए जगह पे जाता है जो ली का पुश्तैनी घर होता है। वह घर की तलाशी लेते लेते एक दरवाजे तक पहुँचता है जिस पर ताला लगा हुआ है। वह ताला तोड़ के रूम के अंदर जाता है तो दीवार पे एक लड़की के बहुत सारे फोटो लगाए हुए होते हैं और कुछ पेपर कटिंग लगाई होती है जिस पर उस लड़की पे हुए गैंग अत्याचार की न्यूज होती है। उस लड़की ने सुसाइड किया होता है। जिन तीन लड़कों ने हरकत की होती है वह बड़ी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से शायद वह कानून की गिरफ्त से बाइज्जत रिहा हुए थे। तभी कांग की नज़र पर्दे से ढकी एक रूम की ओर जाती है। वह उस रूम की तरफ बढ़ता ही है कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। वह ली का भाई टीम होता है। दरवाजा खुला देख के टीम समझ जाता है कि घर में कोई घुसा है। तभी कांग बाहर आता है। अब उसे देख के टीम भागता है तो कांग उसका पीछा करने लगता है मगर भागते भागते कांग एक कार से टकरा के घायल होता है। अब वही मौका देख के टीम कांग की पिटाई करता है और उससे कहता है कि अगर वह उसकी लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो वह वही करे जो ली ने उससे कहा है। यहाँ पुलिस स्टेशन में सब खुश है कि ली अब फांसी पे चढ़ेगा तो मीन ख्यालों में खोई हुई है क्योंकि उसके सामने वह सर्जिकल नाइफ पड़ा है जो पुलिस को ली के घर मिला था और जो कांग का होता है। मीन नाइफ को देख के समझ जाती है कि कांग ने इसी नाइफ से अपने कुत्ते का ब्लड निकाल के लैब में जाके सौ पे लगाया। अब वह जानना चाहती है कि कांग ने ऐसा क्यों किया। उसे कांग के लैब ऑफिस में वह ली और टीम की फोटो मिलती है। अब उसका शक गहरा होता है कि कांग ली को बचाने के चक्कर में है। यहाँ कांग ली से मिलने जेल जाता है। वह ली से कहता है कि ली को बचाना पॉसिबल नहीं तो उस पर ली कांग से कहता है कि वह फेक मेडिकल एविडेंस तैयार करे जिसमें कांग एक्सपर्ट है। न जाने कितनी बार कांग ने शायद फेक एविडेंस बना के सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया है। कांग उसको देखते रह जाता है। यहाँ मीन भी उसी वक्त जेल में आती है और कांग से पूछती है कि उसने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी क्यों की। मीन कांग को अरेस्ट करने जाती है तो वह उसे बताता है कि ली ने उसकी लड़की को किडनैप किया है। अगर वह ली को नहीं छुड़ाएगा तो ली उसकी लड़की को मार डालेगा। अब मीन जानना चाहती है कि ली ने कांग की लड़की को किडनैप क्यों किया। वह कांग का करियर डेटा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कांग ने 13 साल पहले एक केस में एज अ ऑटोप्सी एग्जामिनर गवाही दी थी जिस केस में सुजिन नाम की लड़की की मौत हुई थी और सुजिन ली की सिस्टर थी। अब मीन अपने पुलिस डिपार्टमेंट के एक दोस्त से उस पुराने केस की फाइल मंगाती है। उस केस फाइल से मीन को पता चलता है कि वह एक गैंग अत्याचार की केस थी जिसमें ली की सिस्टर सुजिन विक्टिम थी और जो तीन लड़के दोषी पाए गए थे वह काफी बड़े घर के थे और मेडिकल एविडेंस काफी न होने की वजह से वह लड़के कानून के हाथों से बच गए थे और उस केस में उन्नी ने उन लड़कों के फेवर में गवाही दी थी और डॉक्टर कांग मेडिकल एग्जामिनर था और कुछ साल पहले ही उन तीनों लड़कों की एक एक्सीडेंट में संदेहजनक मौत हुई थी। अब मीन समझ जाती है ली ने पहले उन लड़कों को और बाद में उन्नी को मार के अपना बदला लिया है और अब कांग की लड़की को मार के वह अपना बदला पूरा करना चाहता है। अब मीन ली से मिलने जेल जाती है तो ली मीन से कहता है कि वह कांग को जितना दूध का धूला समझती है उतना वह है नहीं मगर वह मीन के इन्वेस्टिगेशंस की प्रशंसा करता है और उसे अपने हाथ की काटी देके कहता है कि यह वही मर्डर वेपन है जिससे उसने उन्नी का सर तोड़ा। यहाँ कांग ली को जेल से छुड़ाने के लिए एक अलग ही चाल चलता है। वह एक बार गर्ल जो उन्नी की दोस्त थी उसको पैसे देके उसके जरिए उन्नी के बॉयफ्रेंड के सीमेन हासिल करता है और उन सीमेन को उन्नी के शरीर में इम्प्लांट करता है और उस बॉयफ्रेंड के फिंगरप्रिंट्स उन्नी के बॉडी के प्राइवेट पार्ट पे लगाता है और अपनी नई ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाता है जिससे यह निर्देश होता है कि उन्नी का असली कातिल उसका बॉयफ्रेंड है। अपनी फेक रिपोर्ट देख के कांग फ्लैशबैक में चला जाता है जब 13 साल पहले उसने ऐसी ही फेक रिपोर्ट बनाई थी। दरअसल उस वक्त कांग की लड़की को एक रेयर बीमारी थी जिसमें ऑपरेशन करके उसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना जरूरी था जो सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता था और जिसके लिए लाखों रुपए लगने वाले थे। अपनी लड़की को बचाने का कांग के पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे हालात में उसके पास ली की सिस्टर सुजिन का केस आया जिसके साथ अत्याचार किया गया था और जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया था। अब सारा केस कांग की रिपोर्ट पे निर्भर था। जिन लड़कों ने यह सब किया था उनके पेरेंट्स काफी पैसे वाले थे और कांग को अपनी लड़की को बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी तो न चाहते हुए भी कांग ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में छेड़छाड़ी करके रिपोर्ट उन लड़कों के फेवर में बनाई जिससे वो लड़के तो बच गए मगर बिचारी मरी हुई सुजिन पे बुरी लड़की होने के लांछन लग गए जिससे शौक होकर सुजिन के यानी ली के पिता की मौत हुई। कांग की लड़की बच गई
मगर ली की बहन की इज्जत चली गई। यह पूरा वाकियात कांग की नजरों के सामने आता है। यहाँ ली के वकील पुलिस की सारी दलीलें ठुकराते हैं। वह पुलिस से कहते हैं, ली के जैसी कांटी तो मार्केट में कई मिल सकती है, और रही बात फुटप्रिंट्स की, तो ली क्राइम सीन से काफी करीब रहता है, तो उसका क्राइम सीन पे आना जाना है। पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता जिसे लेकर वह ली को हिरासत में ले सके। ऊपर से उन्हें कांग की रिपोर्ट मिलती है जो किसी और की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे हालात में पुलिस को ली को छोड़ना पड़ता है और पुलिस उन्नी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करते हैं। ली जेल से छूटकर घर पे आता है। उसके पीछे पीछे कांग वहाँ आता है। वह अपनी लड़की की जिंदगी की भीख ली से मांगता है। अब ली और कांग में हाथापाई शुरू होती है। आखिर में ली कांग को बताता है कि उसने कांग की लड़की को कहाँ रखा है। अब कांग ली के उस पुश्तैनी घर की ओर गाड़ी लेके निकलता है। तभी दूसरी ओर मीन फोटो के जरिए उस घर के पास पहुँच जाती है। तभी वहाँ पे टीम आ पहुँचता है। अब दोनों में हाथापाई होती है जिसमें मीन टीम को गोली मार के खत्म करती है। तभी कांग भी वहाँ पहुँच जाता है। वह पर्दे के पीछे वाली उस रूम में चला जाता है। वहाँ एक कांच की पेटी में गुलाब की पंखुड़ियों की सेज पे कांग की लड़की को रखा हुआ होता है। कांग देखते ही समझ जाता है उसकी लड़की मर चुकी है। वह रोते रोते अपनी लड़की को उठाने जाता है तो उसे पता चलता है उस लाश का शरीर ही नहीं है, सिर्फ सर, हाथ और पैर है। अपनी लड़की के शरीर के उस हिस्से को गायब देख के कांग के दिमाग में स्ट्राइक होता है। मॉर्ग में उसने उन्नी के शरीर को समझ के जिस शरीर के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की थी, दरअसल वह शरीर का हिस्सा उसकी खुद की लड़की का था। पुलिस को जो शरीर का बीच वाला हिस्सा मिला था वह दरअसल कांग की लड़की का था, उन्नी का नहीं। ली ने दरअसल कांग की लड़की के शरीर के साथ उन्नी का सर जोड़ के उस शरीर को फेंका था, इसलिए सभी को ऐसा लगा कि वह पूरा शरीर उन्नी का है, मगर सर और हाथ छोड़ के बाकी का शरीर का हिस्सा कांग की लड़की का था। अपनी खुद की मरी हुई लड़की के शरीर में कांग ने किसी और का सीमेंट डाल के उसे गंदा किया और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट बनाए। और उस दिन जो फोन पे उसने अपनी लड़की से बात की थी वह आवाज ली ने उसे मारने के पहले ही रिकॉर्ड करके रखी थी। अब यह बात समझ में आते ही कांग फ्रस्ट्रेट होके चिल्लाता है। अपनी लड़की को बचाने के लिए उसने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की थी, मगर नतीजा क्या था? उसके हाथों उसकी खुद की मरी हुई लड़की का अपमान हुआ था। उसने ऑटोप्सी में मैनिपुलेशन करके ली की मरी हुई बहन की इज्जत को बदनाम किया था। अब वही मैनिपुलेशन करके उसने अपने ही हाथों अपनी मरी हुई लड़की को इंसल्ट किया था। ली ने एक परफेक्ट बदला लिया था। अब कांग बाहर आता है। ली उससे कहता है, अब तुम्हें पता चला होगा उस वक्त मेरे बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जब तुमने उसकी मरी हुई लड़की को भरी अदालत में बेइज्जत किया था, मगर तुम्हारी लड़की की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। अब यह दर्दनाक यादें तुम्हारी मौत तक तुम्हारे साथ रहेगी। तभी कांग मीन की रिवॉल्वर निकाल के ली को शूट करता है। ली मर जाता है। अब वही रिवॉल्वर कांग अपने सर पे लगा के ट्रिगर दबाता है और अपनी जिंदगी खत्म करता है, क्योंकि वह जानता था इस दर्द के साथ वह जिंदगी नहीं काट सकता। कहानी के अंत में पता चलता है जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज होती है किसी को अपना इंतकाम भुला के माफ करना, क्योंकि जैसे ही वक्त गुजरता जाता है इंतकाम की आग और भड़क उठती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।